आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच, स्ट्रीट फूड स्टाइल में सैंडविच बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने आलू ले लिए हैं, दो आलू बड़े बड़े ले लिए हैं। अब हम इसमें नमक थोड़ा सा डालेंगे, देखिए स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और इनको सबको मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद में हम इसमें धनिया की चटनी मिक्स, 1 टेबल स्पून धनिया की चटनी डाल देंगे, थोड़ी सी टोमेटो सॉस डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और साथ में थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचा भी लेंगे, इसको बाद में यूज़ करेंगे। देखिए मेरा मिक्स बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड में कर लेते हैं और इसके लिए मैंने ब्रेड ले ली है। अगर आपको लाल मिर्च पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये धनिया की चटनी है, इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का ही बनाया है मैंने। अब इसके लिए मैंने ब्रेड ले ली है, ये देखिए 6 ब्रेड ले ली हैं। अब इसको एक ब्रेड को हम ले लेते हैं, नहीं इससे पहले अब हम ये 2 चम्मच हमने बेसन ले लिया है, बेसन को हम घोल बना लेंगे। और आप अगर बेसन का घोल नहीं बनाना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर का भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें बेसन का घोल लगाएंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, देखिए, और इसको अच्छी तरीके से घोल लेंगे। एक भी गुलथी नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। अब देखिए मैंने ब्रेड ले ली है, इस ब्रेड में हम थोड़ा सा ये हरी चटनी लगा लेंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्च वाली, इस तरीके से इसको हम लगा लेते हैं, पूरे ब्रेड में स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद में आलू लगाएंगे, आलू थोड़ा अच्छी तरीके से इसमें लगाएंगे। अब हम आलू लगा लेंगे, अच्छी तरीके से आलू लग जाएगा। इसके बाद में अब हम ये टोमेटो सॉस लगा देंगे इसमें, के बाद थोड़ा सा हम प्याज डाल देंगे इसमें, देखिए प्याज डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद में अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन का घोल लगाएंगे, देखिए ये इसलिए लगाएंगे कि हमारा पूरा बैटर अच्छे तरीके से लग जाए इसमें और बाहर ना निकले। अब हम इसमें देखिए पैन मेरा गरम हो गया है, इसमें मैंने ऑयल भी लगा लिया है, और जिस तरफ हमने बैटर लगाया उसी तरफ से अब हम इस तरीके से इसको पैन में रख देंगे और थोड़ी देर के लिए सेकेंगे। ऊपर वाली साइड में भी थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, और आपके पास बटर है तो आप बटर यूज़ कर लीजिएगा, मगर मैं तो ऑयल लगा रही हूँ इसमें। अब इसको देखिए हम इसको पलट लेते हैं, देखिए कितना अच्छा हमारा सिक गया है, दोनों तरफ से मेरा सिक जाएगा। अब ये देखिए मेरा दूसरी तरफ से भी कितना अच्छा ब्राउन हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब देखिए हम इसको ये कागज़ की प्लेट में निकालेंगे, जिससे ये स्ट्रेट साइड पूरा हमारा लुक आ जाए, और हमें देखने में भी खाने में भी अच्छा लगे कि हम वाकई में बाहर खाना सैंडविच खाने गए हैं। तो अब हम इसमें चटनी लगाते हैं, ये देखिए इस तरीके से अब हम इसमें चटनी लगा देंगे, और साथ में ये टमाटो सॉस भी लगा देंगे, देखिए
इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए नमकीन वाली की सेव डाल देंगे हम इसमें। देखिए अगर आपको और तीखा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। अभी हमारे सैंडविच सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बने हैं। ये देखिए